हेलो स्टूडेंट, हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक, हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिए हैं, सर्कल्स का एरिया, पैरामीटर, ये सब फाइंड करना देख चुके हैं। ठीक, आज एक नई चीज़ पढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर ऑफ अ सर्कल, आपको पता होगा सेक्टर क्या है, है ना। शायद हो सकता है क्योंकि जूनियर क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है ना। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सपोज ये हमारा सर्कल है, ठीक, और ये है इसका सेंटर ओ, और ये है इसकी रेडियस आर। ठीक है, ये हमारा सर्कल, ये उसका सेंटर ओ और ये है यहां पर रेडियस आर। सपोज ये पॉइंट है मेरा ए। ठीक है, तो अगर हम देखें यहां पर, तो देखो यहां से लेकर पूरा यहां तक ये जो एंगल होगा, हमें पता है सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री। ठीक, बस इस बात को याद रखना, आगे काम आएगा। ठीक, तो हमें पता है कि सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 360 डिग्री का। भाई यहां से अगर पूरा ये एंगल मेजर करें हम, तो वो 360 डिग्री आएगा, कंप्लीट एंगल। चलिए अब बात करते हैं, हम देखते हैं सेक्टर क्या है। हमको सेक्टर ही देखना था मेनली, कि सेक्टर क्या चीज है। तो देखें, तो ये एक रेडियस हो गया, और सपोज इसी सेंटर से एक और दूसरा रेडियस मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये भी रेडियस ही है, ये भी कितना होगा, आर। ठीक, तो अब इस रेडियस, इन दो रेडियसेस के बीच में जो रीजन बाउंड हो रहा है, जो पोर्शन बाउंड हो रहा है सर्कल का, ठीक, उसी को हम बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, तो यहां पर ये जो पोर्शन है, ये जो रीजन है, ये ही आपका कहलाएगा सेक्टर। द पोर्शन ऑफ अ सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय द टू रेडियाई एंड द करेस्पॉन्डिंग आर्क। सपोज मैं यहां पर इस पॉइंट को बी मार्क कर देता हूं, तो ये आर्क ए बी हो जाएगी। ठीक है, तो आर्क ए बी और दो रेडियस से बाउंड होने वाले रीजन को ही हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। ठीक है, ये हमारा कहलाएगा सेक्टर। ठीक है, अब आप देखें कि सेक्टर जो है दो हो सकते हैं, एक हो सकता है माइनर सेक्टर और एक हो सकता है मेजर सेक्टर। तो देखो ये पोर्शन आपका छोटा पोर्शन है, तो इसलिए ये वाला सेक्टर आपका कहलाएगा माइनर सेक्टर। माइनर मींस छोटा, ठीक है, और ये वाला सेक्टर जो है बड़ा है, ये पोर्शन बड़ा है, तो इसलिए ये आपका कहलाएगा मेजर सेक्टर। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका मेजर सेक्टर, तो माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। ठीक है, ये हमने देखा। अब सपोज अगर हमें यहां पर देखो एक इंफॉर्मेशन गिवन हो, और वो इंफॉर्मेशन क्या है, सपोज ये सर्कल का सेंटर है ओ, ये रेडियस है आर आर, ठीक, इधर हम ले लें ए, इधर बी ले लें। ठीक, और सपोज एक इंफॉर्मेशन गिवन हो आपको कि ये जो एंगल है बिटवीन दीज टू रेडियस इज थीटा। ठीक है, एंगल की कोई वैल्यू है, उसकी जगह हमने वेरिएबल ले लिया है थीटा। ठीक है, तो सपोज इन दो रेडियसेस के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, तो इससे हम कुछ चीजें फाइंड आउट कर पाएंगे, और वो क्या होगा, वो होगा लेंथ ऑफ दिस आर्क। ठीक, इस आर्क की हम जो है लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक, हम इसको सपोज मैं एक पॉइंट और ले लेता हूं इसके ऊपर ए पी, और यहां पे कहीं एक पॉइंट और ले लेते हैं क्यू, ताकि डिफरेंशिएट हो सके मेजर आर्क। ये भाई ये आर्क जो है, आर्क है ना, इसका नाम क्या होगा, ए पी बी। ये छोटी वाली आर्क है तो ये माइनर आर्क कहलाएगी, और ये बड़ी वाली आर्क है तो इसलिए ये आपकी मेजर आर्क कहलाएगी, ए क्यू बी। ठीक है, मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट वही है, माइनर मींस छोटा, मेजर मींस बड़ा।
ठीक, यहाँ पे मैंने सेक्टर लिखा था, सेक्टर माइनर सेक्टर मतलब जो छोटा वाला सेक्टर है वो माइनर सेक्टर और जो बड़ा वाला है वो मेजर सेक्टर। ठीक, अब अगर सपोज हमको लेंथ ऑफ आर्क ए पी बी फाइंड करना है, आर्क ए पी बी, ठीक है, ये कई बुक में ऐसे भी हो सकता है लिखा हुआ ए पी बी आर्क, कंफ्यूज नहीं होंगे है ना, आर्क ए बी बी ऐसे भी लिखा जा सकता है, डिनोटेशन है। तो देखें लेंथ ऑफ आर्क जो है वो क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में कि कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री होता है सर्कल के सेंटर पे। ठीक, तो ये पोर्शन कितना है, सिर्फ थीटा एंगल बन रहा है। तो अगर मैं इस एंगल के फ्रैक्शन की बात करूं तो ये कितना फ्रैक्शन हो रहा है भाई, देखो थीटा एंगल है इस आर्क के पास पूरे सर्कल के रिस्पेक्ट में देखें तो 360, भाई पूरे सर्कल का जो एंगल होगा वो 360 डिग्री होगा है ना, और इस वाले आर्क का, इस आर्क का जो एंगल है वो सिर्फ थीटा है। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा इसका अगर हम देखें तो, भाई मैं जो बात बोल रहा हूँ एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर हम इस पूरे सर्कल की सर्कमफेरेंस की बात करें तो वो कितना एंगल बन रहा होगा उसका, भाई पूरा 360 डिग्री एंगल बनता है सेंटर पे, हमें पता है सर्कल में। ठीक, और अगर सिर्फ इस आर्क की बात करें तो इस आर्क का, इस पोर्शन ऑफ अ सर्कल का सिर्फ थीटा एंगल बन रहा है सेंटर पे, है ना, तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360। भाई मार्क्स अगर हमारे आते हैं जैसे 10 मार्क्स आए आउट ऑफ 20 तो हम ऐसे ही लिखते हैं 10/20, तो हमारे मार्क्स का फ्रैक्शन क्या बन गया, 10/20। तो उसी तरह से सिर्फ थीटा एंगल आ रहा है आउट ऑफ 360 तो फ्रैक्शन बन गया थीटा अपॉन 360। अब पूरे सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है, पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2πr, और ये उसी का पार्ट है ना, तो इसलिए हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा अपॉन 360 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2πr। ठीक, तो ये हो गई आपकी लेंथ ऑफ आर्क ए पी बी। ठीक, ये एंगल का फ्रैक्शन बन रहा था और उसी फ्रैक्शन से हमने लेंथ ऑफ आर्क निकाली। ठीक है, उसी फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ होगी क्योंकि इस एंगल के रिस्पेक्ट में ही यहां पर इसकी लेंथ डिसाइड होगी। तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकलेगी, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। ठीक है, फिर इसी तरह से हम चाहें तो इस वाले सेक्टर का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक, बिल्कुल इसी तरह से लेंथ ऑफ आर्क को जो है एल से डिनोट किया जा सकता है, स्मॉल एल। ठीक, अब एक और चीज, एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो है ना, ये हमने क्या फाइंड किया है, लेंथ ऑफ आर्क, ये जो ए पी बी की लेंथ है वो फाइंड करिए, और अब हम फाइंड कर रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब क्या है कि ये जो सेक्टर वाला पोर्शन है ये कितना है। ठीक है, ये कितना है ये हमें पता लगाना है। ठीक, तो जो कॉन्सेप्ट हमने यहां लगाया है सेम वही यहां पर लगाएंगे। एरिया ऑफ सेक्टर को हम ए से डिनोट कर सकते हैं। देखो अब पूरे सर्कल का एंगल कितना होगा, 360 डिग्री, और इस सेक्टर का एंगल कितना है, इस सेक्टर का एंगल है थीटा, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा इसका, थीटा अपॉन 360 डिग्री। और हमें पता है कि पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, πr², तो इसलिए सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन इसका θ/360 बन रहा है, तो ये हो जाएगा θ/360 into πr². ठीक है, तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपके आएंगे उसमें ये ऐसा ही होगा कि आपको एंगल गिवन होगा, रेडियस गिवन होगा, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर या लेंथ ऑफ द आर्क, या फिर कोई चीज मिसिंग होगी, अननोन क्वांटिटी होगी, उसको फाइंड आउट करने के लिए आएगा। ठीक है, चलिए यहां पर हमने लिख लिया θ/360 × πr². अब इसी से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। ठीक,
मैं यहाँ पे बता देता हूँ ऊपर की साइड पे, इसी चीज़ को मैं आगे लेके आया हूँ। ठीक, तो हमारे पास है ए इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों को कर दिया ऊपर नीचे 2/2 से मल्टीप्लाई ये पूरी क्वांटिटी को, तो ये बन गया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कर सकते हैं ऐसा, 2/2 मीन्स 1, 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखो थोड़े से मैं इसमें चेंजेस करूँगा, इसको मैंने लिखा 1/2, और ये जो ऊपर वाला 2 है उसको मैं इधर ले आऊँगा। ठीक, इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू 2π r² क्या ऐसा लिख सकते हैं इसको? ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने ये वाला 2 यहाँ से हटा के यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, और आगे देखें 1/2 एज इट इज़ यहीं पे रहेगा, इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू 2π r इंटू r। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं r² को? r इंटू r लिख दिया हमने। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें इसके आगे क्या हो जाएगा, ये सारा ए है इक्वल टू में एरिया। ठीक, तो ए इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू, अब आप सिर्फ इस पोर्शन को देखो, थीटा अपॉन 360 इंटू 2π r, और इस r को हम बाहर रख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ही है सारी टर्म्स, तो ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इस वाले पोर्शन को ब्रैकेट में रख दिया। अब आप इसको ऑब्जर्व करो, ये क्या चीज़ है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2π r। ठीक, तो अगर आप इसको देखोगे तो ये आपको दिखेगा कि थीटा अपॉन 360 इंटू 2π r क्या है, हमारा लेंथ ऑफ दी आर्क, और लेंथ ऑफ दी आर्क को हमने डिनोट किया किससे, एल से, तो एल इंटू आर। ये पूरा आपका क्या बन गया, एल है ये पूरा, तो ये एल हो गया और आर यहाँ पर ये आ गया। तो इसका मतलब जो एरिया ऑफ सेक्टर जो है, हम इससे भी अगर हमें लेंथ ऑफ आर्क गिवन हो और रेडियस गिवन हो, किसी केस में अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा हो जाए, तो उससे भी हम इसको एरिया ऑफ सेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस ऑफ दी सेक्टर। ठीक, तो ये रिलेशन भी हमें ध्यान रखना है, हो सकता है कहीं पे यूज हो जाए। ठीक, नोट डाउन कर लें इसको। ओके, जो अब है अपना पेन और पेपर आप लेकर के रेडी हो जाएं। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन लिखना है, मैं क्वेश्चन डिक्टेट करूंगा, आप उसे नोट डाउन करिएगा। क्वेश्चन लिखिए प्लीज। अ सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल of radius 21 centimeter, full stop. The angle of the sector is 150 degree. Find the length of its arc and area, full stop. ओके, तो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि भाई एक सर्कल है, उसमें से क्या किया, सेक्टर कट किया। तो आपको क्या बोला जा रहा है कि भाई एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना दे रखा है उन्होंने,
21 सेंटीमीटर है और उसमें से एक सेक्टर कट किया, सेक्टर कुछ इस तरह का हो सकता है, ठीक हो सकता है इस तरह का हो, है ना, सेक्टर ऐसा ही होता है, रीजन बाउंडेड बिटवीन द टू रेडियस, ठीक। तो यहां पर उन्होंने हमको जो एंगल दिया है वो 150 डिग्री दिया है, तो मैं इसलिए 150 डिग्री का ही एंगल बनाऊं तो ज्यादा सही होगा, ठीक है। तो एंगल जो है सेक्टर का वो 150 डिग्री है, तो यहां पर ये हमारा सेंटर, ये हमारी एक रेडियस, और जो दूसरी रेडियस हो जाएगी वो यहां पर कुछ इस तरह से आ जाएगी, ये हमारा सेंटर ओ, ये सपोज ए है और ये बी है, ठीक है, और ये एंगल हमको दे रखा है 150 डिग्री, और रेडियस ऑफ द सर्कल उन्होंने बोला है हमको 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन गिवन है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क, ठीक। इसमें से क्या किया, ये सेक्टर वाला पोर्शन कट कर लिया, मतलब ऊपर का पोर्शन हटा दिया और सिर्फ ये पोर्शन आपके पास आ गया है, ठीक, ये शेडेड रीजन आपके पास आपने कट करके निकाल लिया। अब आपको फाइंड करनी है लेंथ ऑफ इट्स आर्क, लेंथ ऑफ इट्स आर्क मतलब ये वाली आर्क की आपको लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। मैं यहां पर एक पॉइंट और ले लेता हूं, सपोज ये सी है, ठीक है, एक पॉइंट मैंने ऐसे ले लिया, सी पी जो भी आपको लेना है आप ले सकते हो। तो हमें लेंथ ऑफ आर्क ए सी बी फाइंड करनी है यहां पर, ठीक है। तो करें, सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लें, रेडियस ऑफ सर्कल या फिर सेक्टर भी बोल सकते हैं आप, रेडियस ऑफ सर्कल आर इज इक्वल्स टू कितना है 21 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ सेक्टर, जो सेक्टर है उसका एंगल कितना है थीटा से डिनोट करते हैं हम, वो दे रखा है हमको 150 डिग्री, डिग्री लगाना मत भूलिएगा, एंगल है ये, है ना। वी नो दैट लेंथ ऑफ आर्क, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ आर्क का एल से डिनोट करते हैं, थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर। आर्क क्या है, पेरीमीटर है ना, सर्कमफेरेंस का पार्ट है, इसलिए इनटू 2 पाई आर किया है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 150 अपॉन 360, ठीक है, और 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू हम 22/7 लेंगे, जब तक मेंशन ना हो हमें यही लेना है, ठीक है, और आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 21, सारी वैल्यूज नोन है, बस कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 150 अपॉन 360, यहाँ पर आप देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 से 5 टाइम्स और ये 3 से 12 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास कैलकुलेशन करने के लिए क्या रहेगा, 5 अपॉन 12 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 21, ठीक है। तो हमें यहां पर, अब देखो यहां पर और कुछ कैंसिल हो रहा है, यस और भी कैंसिल हो रहा है, तो यहां पर ये 2 से 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और हम देखें तो ये 2 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और इसको देखें तो 3 से ये 1 टाइम्स और ये 7 टाइम्स, और इधर ये 7 से 7 कैंसिल, तो आपके पास फाइनली क्या बचेगा, लेंथ ऑफ आर्क, आप चाहो तो आर्क का नाम भी लिख लो, आर्क ए सी बी, एल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 × 11, सिर्फ इतना ही बचा है हमारे पास, 5 × 11 दैट इज 55 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क आ गई। दूसरी चीज उन्होंने हमको बोली है फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड करना है, ठीक। तो एरिया फाइंड करने के लिए देखो हमारे पास फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर
एरिया ऑफ सेक्टर का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, थीटा अपॉन 360। अब एरिया है तो इसलिए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर वैल्यू पुट करते हैं यहां पर, तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हमारी है 150 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 21। तो 21 स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21, कर सकते हैं ऐसा, ठीक। यहां पर आप देखो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 5 आ जाएगा यहां पे, और ये 3 से कैंसिल होगा तो 12, ठीक है। अब ये वापस 2 से कैंसिल हो रहा है तो यहां पे आ जाएगा 6, यहां पे हो जाएगा 11, यहां पर ये 3 से कैंसिल हो रहा है तो 3 से कैंसिल होगा तो 2, और यहां पर हो जाएगा 3 से कैंसिल 7, ठीक है। और इधर ये 7 से 7 कैंसिल, कैंसिलिंग आप खुद करें तो ज्यादा बेटर होगा, मैंने यहां करके दिखा दिया है, ठीक। तो यहां पे आपके पास बचेगा 5 अपॉन 2 इंटू 11 इंटू 21, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 21 इंटू 5 105, और 105 का आपका हो जाएगा 1155, 105 इंटू 11 करेंगे तो आपका यही आएगा अपॉन 2, ठीक है। तो यहां पर अब आप देखें इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 5 टू जर 10 15 7 अगेन 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर आ गया 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए हमने इसको कैसे कैलकुलेट किया एरिया ऑफ सेक्टर को, ये वाला फार्मूला लगा के। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने एक फार्मूला और बताया था आपको, रिलेशन बताया था एक, ए इज इक्वल्स टू 1/2 एल आर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। तो आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक। इससे कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर आप देखो हाफ इंटू एल, एल की वैल्यू हमारी कितनी है 55, इंटू आर की वैल्यू कितनी है 21, ठीक। तो वापस से कैलकुलेशन आपकी वही आएगी, 21 इंटू 5 कितना हो जाएगा 105, एंड 105 इंटू 11 तो ये हो जाएगा 1155 अपॉन 2, दैट इज इक्वल्स टू 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों से ही आपका आंसर सेम आएगा, क्लियर है, नोट करें इसको, ओके नोट कर लिया होगा आपने, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, ठीक। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, The length of minute hand of a clock, भाई आपने क्लॉक देखी होगी, ठीक। क्लॉक में आपका कुछ ऐसा सर्कुलर डायल होता है और यहाँ सेंटर पे सेंटर से नीडल्स जो है वो अटैच्ड होती है, ठीक। दो नीडल होती हैं, एक आवर हैंड होता है और एक मिनट हैंड होता है, और एक और हैंड होता है सेकेंड्स वाला हैंड, ठीक। तीन सुइयां होती हैं या किसी में दो होती हैं, है ना। तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है उन्होंने,
द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, ठीक, इसकी लेंथ पे मत जाइएगा, मतलब कि ये ऐसा नहीं लगे आपको कि ये कोई दूसरा है, सेकेंड्स वाली नीडल है ना, ये मिनट वाली नीडल है, ठीक। तो यहाँ पर उन्होंने हमको बोला द लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज 14 सेंटीमीटर, तो ये जो लेंथ है यहाँ इसकी वो है 14 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेके इसके टिप तक, ठीक है। अब उन्होंने बोला फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट, एक मिनट में वो कितना एरिया स्वेप्ट करेगी। तो आप यहाँ देखो कि जब ये नीडल मूव करती है तो नीडल का अगर टिप है, सपोज मैं इस नीडल के टिप पे मार्कर लगा दूं, तो ये जैसे जैसे नीडल मूव करेगी वैसे वैसे मार्कर से क्या होगा, ऐसे डॉट्स मार्क होती जाएंगी कंटिन्यूस, ऐसे पॉइंट्स इसकी क्या बनाएगा, एक सर्कल बनाएगी इसकी टिप कुछ इस तरह से। क्या बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैंने बोला अगर सपोज इसकी टिप पे मैं मार्कर लगा दूं तो इसकी टिप जैसे जैसे रोटेट होगी वैसे वैसे यहाँ क्या होता जाएगा, एक सर्कल्स बनता जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जब नीडल रोटेट हो रही है तो कैसा रीजन कवर कर रही है, कैसा पोर्शन स्वेप्ट कर रही है, वो सर्कुलर रीजन, ठीक। अब सर्कुलर रीजन स्वेप्ट कर रही है पूरे एक कंप्लीट रोटेशन में, लेकिन उन्होंने हमसे पूछा है एरिया स्वेप्ट इन 1 मिनट, एक मिनट में कितना एरिया वो स्वेप्ट कर लेगी। तो भाई एक मिनट में नीडल कितना सा टर्न होगी, थोड़ा सा, सपोज मैं रेफरेंस के लिए इतना बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक। वैसे ये बहुत ज़्यादा है ना, बट डायग्राम दिखे हमको इसलिए मैंने बना दिया, ठीक। तो एक मिनट में सपोज हम मान लेते हैं कि इतना मूव हो रही है, अब ये कितना मूव हुई इसके लिए हमें यहाँ पे एंगल चाहिए होगा इसका, कि ये कितने डिग्री से रोटेट हुई, यही पता करना है। तो चलिए वो पता करते हैं। तो आप देखें एंगल बाय विच मिनट हैंड रोटेट्स इन 1 आवर, एक घंटे में जो मिनट हैंड है वो कितने एंगल से घूमती है। देखो अगर ये यहां से यहां तक पूरा घूम जाए तो कितना एंगल कवर कर लेगी वो, आपको पता है ना भाई, अगर कोई नीडल ऐसे यहां से घूम के पूरा वापस यहीं पे आ जाए तो कितने डिग्री का एंगल वो कवर करेगी, 360 डिग्री। तो वो पूरा कितना रोटेशन कर लेगी, 360 डिग्री रोटेशन का एंगल, मतलब पूरा 360 डिग्री का एंगल बना लेगी, ठीक। तो एंगल बाय विच मिनट हैंड रोटेट्स इन 1 आवर, तो एक घंटे में 360 डिग्री होगा। अब हमें तो एक मिनट का पता लगाना है, तो ये 61 आवर का मतलब क्या है, 60 मिनट्स। तो हमें 1 मिनट अगर पता लगाना है तो 1 मिनट क्या हो जाएगा, 360 अपॉन 60, ऐसा ही होगा, यूनिटरी मेथड है, ठीक भाई। एक घंटे में 360 डिग्री रोटेट हो रही है, एक घंटा मतलब 60 मिनट्स, ठीक। मैं यहां पर लिख देता हूं दैट इज 60 मिनट्स। तो एक घंटे में जो है ये 60 मिनट में 360 डिग्री रोटेट हो रही है, तो एक मिनट में कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 60, दैट इज इक्वल्स टू 6 डिग्री। तो इसका मतलब जो मिनट हैंड है वो एक मिनट में कितना रोटेट होता है, 6 डिग्री, ठीक। तो हम मान लेते हैं कि सपोज ये एंगल मान क्या लें, अब तो कंफर्म हो गया हमारे को कि ये एंगल जो है वो कितना है, 6 डिग्री है, ठीक। तो ये जो पोर्शन ये स्वेप्ट करेगा, जो ये रीजन, वो कैसा दिख रहा है, देखो शेप ही कैसा दिख रहा है, सेक्टर जैसा दिख रहा है, सेक्टर जैसा दिख रहा है ना। अगर मैं इस शेप को दोबारा बनाऊं तो ये शेप कुछ इस तरह का बन रहा है, नीडल से यहाँ पे एंगल आ रहा है 6 डिग्री का, रेडियस है 14 सेंटीमीटर। तो ये पोर्शन कैसा दिख रहा है आपको, सेक्टर जैसा, ठीक। जो हमारी पिज्ज़ा की स्लाइस होती है वो भी तो ऐसी होती है ना, तो सेक्टर जैसी होती है। पानी आ गया होगा मुंह में, चलिए। तो हमें फाइंड करना है एरिया, तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है
थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है 6, अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और आर स्क्वायर, आर कितना है हमारा रेडियस 14, तो 14 इंटू 14, ऐसे ही लिख देंगे स्क्वायर को। यहाँ पर आप चाहें तो टर्म्स कैंसिल करें, आप देखो 6 से ये हो जाएगा 60 टाइम्स, ठीक, और फिर उसके बाद यहाँ पर 7 से इसको आप कैंसिल कर दो 2 टाइम्स, 2 से इसको कैंसिल कर दो 30 टाइम्स। मैं वापस से यहाँ लिख देता हूँ कि क्या क्या बचा हमारे पास, 1/30 × 22 × 14, और फर्दर कैंसिलेशन हो सकती है तो और फर्दर कैंसिल कर दें। देखो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 15 टाइम्स, ठीक है, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा आपके पास, ये इसको कैंसिल कर दो 2 से 11, तो आपके पास यहाँ पर बचा 11 × 14/15, इसको आपको कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास 154/15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, यू विल गेट योर आंसर। इसका जो आंसर आ रहा है वो कैलकुलेट करेंगे आप तो क्या होगा, 10.26 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इसको नोट कर लें। ओके, तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।